जनपद संभल के चंदोसी के मालगोदाम रोड पर स्थित मिश्रा सर्विस स्टेशन के मालिक ने सभी सरकारी गाड़ी को निःशुल्क सैनिटाइज करने की जिम्मेदारी उठाई। इस समय देश के पीएम के आह्वान पर 19 दिन का लॉकडाउन चल रहा है, जो कि 3 मई को समाप्त होगा। लॉकडाउन के दौरान कोरोना कर्मवीर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन पुलिस, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और मीडिया के लोग जिन गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन गाड़ियों को सैनिटाइज करने की जिम्मेदारी जनपद संभल की चंदोसी में मालगोदाम रोड पर स्थित मिश्रा सर्विस स्टेशन के मालिक अनिल कुमार मिश्रा ने ली है और वे प्रतिदिन दर्जनों गाड़ियों को निःशुल्क सैनिटाइज कर रहे हैं। इस विषय में अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि ये लोग अपनी जान जोखिम में डालकर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐसे लोगों की गाड़ी को सैनिटाइज करके मैं भी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहा हूँ, तथा जनता से अपील करता हूँ कि सरकार के लॉकडाउन का पूर्ण पालन करें। इसमें ये कहूँगा सर, ये रात दिन जू के गति सेवा कर रहे हैं और रात दिन जो है क्या कहते हैं हमारे एम्बुलेंस वाले गाड़ियों के लिए जो है जिले संभल के अंदर जो कोई भी सैनिटाइज हुआ गाड़ी नहीं हो रही है, जबकि हमारे कर्मचारी नगर पालिका के भी हैं तो वो भी अपनी गाड़ियों की जो है सैनिटाइज हुआ के कहते हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए साहब मैंने ये सोचा है कि ये लोग बाग दुनिया की सेवा कर रहे हैं, मैं इनकी सेवा करूँगा और ये जो भी गाड़ी सैनिटाइज होती रहेगी और क्या कहते होती रहेगी, तो इससे जो है ये लोग बाग सेफ रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करेंगे? मैं तो सर यही कहूँगा कि लॉकडाउन का जो है भाई पालन करें और जहाँ तक है जो नियम जो सरकार ने बताए हैं कि भाई आप लोगों के लिए घर में रहकर जो है इसका जो कहते पालन करना है, और हम तो यही चाहेंगे कोरोना को हराना है तो हम लोगों के लिए सब एक मिलकर के होकर जो है कोरोना को जो है हरा सकते हैं। ये साहब मेरी अपील है हाथ जोड़कर कि सभी लोग बाग जो है अपने अपने घरों में रहकर क्या कहते हैं, और अभी ये रमजान भी आ रहे हैं तो मेरा हाथ जोड़ कर नर्मपिता उनसे भी है कि वो भी लोग बाग अपनी नमाज जो है घर पर रहकर जो है अदा करें।